हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीजी स्टडी पे। आपका फिफ्थ चैप्टर चल रहा है सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें 14 चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से, और इसमें आपको एक क्लास हो चुका था जिसमें हमने सोर्स ऑफ एनर्जी तक बात कर लिया था। आज हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ द एनर्जी पर बात करेंगे। इसमें हम फॉसिल फ्यूल और बायोमास के बारे में बात डिस्कस करेंगे। चलो पहले स्टार्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल्स डेवलप फ्रॉम द फॉसिल्स, लाइक कोल और पेट्रोलियम से डेवलप किया जाते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, बहुत सारे ईयर लगते हैं इसमें। अवेलेबल इन द वेरी लिमिटेड अमाउंट्स, दे आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी। ये दोबारा प्रोड्यूस नहीं हो सकते, एक बार खर्च होगा तो खत्म। इंडिया हैज़ द 6% शेयर इन द वर्ल्ड रिजर्व कोल्स एंड मे लास्ट 20 to 50 ईयर्स मोर एट द प्रेजेंट रेट। इंडिया लगभग विश्व में 6% इसका शेयर करता है विश्व में, जो भी कोल है, जितना भी फॉसिल फ्यूल्स हैं। पॉल्यूशन कॉज बाई द फॉसिल फ्यूल्स, रिलेटेड ऑक्साइड ऑफ द कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड विच इज कॉज द एसिड रेन। नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं, जो ट्री प्लांट और जो सॉइल की फर्टिलिटी उसको डिक्रीज करता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एटमोसफियर, विच इज कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाउ टू कंट्रोल दिस फॉसिल फ्यूल पॉल्यूशन, टू इंक्रीज द एफिशियंसी ऑफ द कम्बसन प्रोसेस, कम्बसन प्रोसेस की एफिशियंसी को इंक्रीज किया जाए जिससे कम से कम गैसें निकलें। यूजिंग ऑफ द वेरियस टेक्निक टू रिड्यूस द एस्केप ऑफ द हार्मफुल गैस एंड आस इंटू द सराउंडिंग, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए जिससे गैसेज और जो राख होती है, ऐस होती है, वो कम निकले। दूसरा हमारा थर्मल पावर प्लांट, पावर प्लांट यूज द हीट एनर्जी टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से हीट एनर्जी जनरेट होती है जिससे हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस द स्टीम और रन टर्बाइन पर रन कराया जाता है फॉसिल फ्यूल से। एंड सेटअप द पावर प्लांट नियर द कोल और ऑयल फील्ड, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिसिटी द मोर एफिशिएंट। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर प्लांट्स जब वाटर से एनर्जी जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी इंटू फॉलिंग ऑफ द वाटर इंटू इलेक्ट्रिसिटी, पानी को टर्बाइन पर गिराया जाता है और उन्हें चलाया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हाइड्रो पावर प्लांट एसोसिएट विद डैम, डैम पर बनाए जाते हैं। लगभग 25% ऑफ कंट्री एनर्जी रिक्वायर्ड हाइड्रो पावर, लगभग हमारे देश की 25% एनर्जी है वो हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट होती है। क्या एडवांटेज है इसमें? एनवायरमेंट का पॉल्यूशन नहीं होता, पहली बात। फ्लोइंग वाटर इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसमें। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम प्रिवेंट द फ्लडिंग, रिवर प्रोवाइड द वाटर फॉर द इरीगेशन। अगर डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो फ्लड नहीं आता उस एरिया में, और जब भी पानी की नीड होती है तो उसे इरीगेशन पर्पज से यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे द लार्ज एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड्स, वास्ट वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ह्यूमन सेटलमेंट गेट सबमर्ज द वाटर रिजर्व फॉर्म बाय द डैम। जब डैम बनाया जाता है तो बहुत बड़ा एरिया जो एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए होता है, वो पानी में सबमर्ज हो जाता है, पानी भर दिया जाता है उसके अंदर। इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है इसके अंदर। वेजिटेशन दैट समर्ज अंडर वाटर रूट्स अंडर द एरोबिक कंडीशंस एंड द प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन विच इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। कुछ वेजिटेशन है जो पानी के अंदर समर्ज हो जाती है, अगर पानी भरा हो खेत के अंदर तो वहाँ से फिर मीथेन गैस निकलती है जो कि हार्मफुल है हमारे लिए, जो ग्लोबल वार्मिंग भी करती है। इट्स क्रिएट द प्रॉब्लम टू सेटिस्फैक्ट्री रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल। अगर कभी प्रॉब्लम हो जाए वहाँ पर, अगर डैम बना जा रहा है तो उनको रिहैबिलिटेशन, जो भी वहाँ पर लोग रह रहे थे उनके रिहैबिलिटेशन का प्रॉब्लम आता है, फिर गवर्नमेंट को उसका इंतजाम करना पड़ता है। तो ये इसको पूरा प्लांट है, ये डैम बना रखा है इधर, और ये डैम के साइड में डायनामो लगा रखा है, इससे टरबाइन चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है यहाँ से। फिर ये पूरा डायग्राम एक बार इतना आप पढ़िए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।